दरअसल मार्च तिमाही में एनएमडीसी के नतीजे जो है वो बेहतर रहे हैं, अनुमान से तो बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय जो है उसमें करीब 14% के आसपास की गिरावट रही है, वहीं कंपनी का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 22% गिरा है, लेकिन ये अनुमान से कम है। नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के CMD अमिताभ मुखर्जी जी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स में देख रहा था क्वार्टर क्वार्टर अच्छे हैं, क्या बता सकते हैं आपका पर टन रियलाइजेशन कैसा है पिछले साल के मुकाबले हम कंपैरिजन करें तो? देखिए, Q4 जो FY23 की थी, हमारी सबसे अच्छी Q4 पिछले 60 साल से, जब से कंपनी बनी है, तब से सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स। Q4 तो सबसे अच्छी थी। 5 महीना में अगर आप देखेंगे तो हम लोग 5.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन किए थे, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड था। तो Q4 तो काफी अच्छी रही। प्राइसिंग की थोड़ी सी प्रेशर रही, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लोग देखे कि पिछले साल में Q1 में बहुत अच्छे प्राइसेस थे, लेकिन उसके बाद से जो प्राइसेस गिरने लगे तो Q2 और Q3 में काफी सब्सटेंशियली वो कम हुए, लेकिन Q4 में जाके फिर स्टेबल हुए, लेकिन वो एक नीचे लेवल में स्टेबल हुए। बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ाने की स्कोप कोशिश तो किए, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग जो मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तब, तो हमें थोड़ा मार्जिन और प्राइसेस की प्रेशर तो Q4 में रही। जिस हिसाब से प्रोडक्शन था तो उस हिसाब से वॉल्यूम ने थोड़ा बहुत प्राइसेस का जो है वो कॉम्पनसेशन किया, और अकॉर्डिंगली Q4 की फाइनेंशियल्स जो है वो काफी ठीक रही, और ओवरऑल एनुअल जो हमारी नेट प्रॉफिट रही करीबन 5.5 हजार करोड़ की, वो काफी सेटिस्फैक्ट्री रही, क्योंकि Q2 और Q3 काफी हम लोग कम में चल रहे थे। Q4 में जाकर थोड़ा बहुत रिकवरी करके ओवरऑल एनुअल जो रिजल्ट्स हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सबको सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा। चलिए, Q4 में रिकवरी के चलते पूरे साल के रिजल्ट्स जो है वो थोड़े सुधरे हैं, लेकिन सर आपने अपने नंबर जो है उनको रीस्टेट किया है। बेसिकली आपके जो स्टील डिवीजन है उसका डीमर्जर के चलते ये हुआ है, आप बता सकते हैं कितना इम्पैक्ट है उसका? हाँ, देखिए, सारे फिगर्स क्योंकि डिमर्जर के कारण रीस्टेट हुए हैं। जो बैलेंस शीट फिगर्स है, जैसे कि आपके नेटवर्थ वगैरह है, करीबन 17 हजार करोड़ की नेटवर्थ तो हमें एनएमडीसी स्टील में ट्रांसफर किया, हम लोग किए हैं। नेट एसेट्स जो है वो ट्रांसफर किए थे, 17,048 करोड़ नेट ट्रांसफर किए थे हम लोग एनएमडीसी स्टील में। कुछ हमारी जो सप्लाईज थी वो जो कि पहले आगे विद इन दी कंपनी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर थी, वो अब आर्म्स लेंथ प्राइसिंग में आ गई, तो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा बहुत उसका भी जो है लेंथ प्राइसिंग करके हमें रीस्टेट करना पड़ा। तो ये डीमर्जर रिलेटेड था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट तो इम्पैक्ट नहीं थी, लेकिन बैलेंस शीट तो बिल्कुल 50% स्प्लिट थी ऑलमोस्ट, कि करीबन 17-18 हजार करोड़ नेटवर्थ जो है वो एनएमडीसी के पास रह गए, या 17-18 हजार करोड़ 17,048 करोड़ की नेटवर्थ जो है वो एनएमडीसी स्टील को चली गई। तो बैलेंस शीट में तो बहुत असर पड़ा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग कुछ कुछ ही मिलियन टन हम लोग भेजे थे लगातार स्टील को, उसको हमें आर्म्स लेंथ प्राइसिंग में रिसेट करना पड़ा। चलिए ठीक है सर। सर, मैं आपके रिजल्ट्स देख रहा था, एक एक्सेप्शनल आइटम था करीब 1,237 करोड़ के आसपास का, उसमें से 380 करोड़ मेरे ख्याल से NINL का था। बाकी अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि ये जो एडजस्टमेंट है क्या अमाउंट है ये? ये क्या है कि कर्नाटक में जो है आगे जो रिजीम चल रही थी वो एक मॉनिटरिंग कमेटी की ये होती थी, तो हम हमारी सारी जो सेल्स होती थी वो मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू होती थी, और कस्टमर भी पैसा जो है वो मॉनिटरिंग कमेटी को जमा करते थे। और उसमें क्या है कि 20% मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो काट लेती थी, वो एक SPV के लिए और एक कुछ R&R के लिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पिछले 7-8 साल से एक दरख्वास्त कर रखी थी कि साहब 10% तो हमें समझ में आता, लेकिन 10% की जो है वो कर्नाटक में और किसी को वो 10% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता, सिर्फ NMDC को किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हैज बीन काइंड इनफ कि हमें एक रिलीफ मिला है कि 1-1-2019 से
31/3/2022 से 21 तक की जो भी 10% जो रिकवरी थी मॉनिटरिंग कमेटी एक्स्ट्रा उसको रिफंड कर दिया जाए, तो उसकी फिगर जो है वो करीबन 950 करोड़ की आती है। वो हमें एक अप्रैल महीना में मिल गया है वापस, और हम अभी सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि 2013 से 2019 तक की भी जो हमारी जो डिमांड है वो करीबन और 1,000 करोड़ की है, वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये करीबन काफी दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक पार्शियल रिलीफ दिया है और हम अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें एक फुल रिलीफ मिला जाए, हमें दिया जाए और 900 करोड़ रुपया और दिया जाए। और जैसे आपने बोला कि NINL का, तो हमें हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो करीबन 100 करोड़ की थी, और हमारे हिस्से में जो पैसा आई 10% के लिए वो करीबन 380 करोड़ रुपया आई, हमें करीबन 280 करोड़ का उससे सीधा फायदा मिला। तो चलिए ये बात है, मतलब 1,000 करोड़ अभी मिल चुके हैं, 1,000 करोड़ आने वाले समय में और इस कंपनी को मिल सकते हो, 380 करोड़ तो नीलांचल इस्पात का जो हिस्सा बेचा है उससे।